अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एज पर माय प्रॉमिस आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अमेरिका 2023 के स्टैटिस्टिक्स जो है वो कंप्लीट डिटेल में शेयर करने जा रहा हूं। आप स्क्रीन पर ये स्टैटिस्टिक्स सामने देख सकते हैं और इन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको आइडिया दूंगा कि इस साल का आपका MBBS BDS क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकता है। गवर्नमेंट के हवाले से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से जो ट्रेंड चल रहा है कि वहां पर जो है कहां तक मेरिट आ सकता है, डोनेशन वगैरह का क्या सीन है, ये सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो के डिटेल में जाने से पहले काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। उसके साथ साथ जो है तमाम स्टूडेंट इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। पाकिस्तान में आपको किसी भी रीजन की वजह से एडमिशन नहीं हो रहा, आपका एमडी कैट फेल है, प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट का मेरिट हाया है, इन कंट्रीज की PMDC अप्रूव्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये हमारी जो है वो मेरिट सीरीज की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एमडी कैट में कितने मार्क्स चाहिए होंगे, ये सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की होगी। आपने वीडियो चेक की होगी, चेक नहीं की तो जरूर चेक कर लें, बहुत काम की चीज इसमें मैंने आपसे शेयर किया है। शहीदुल अफकार अली भुट्टो के वाले से, UHS के वाले से लास्ट ईयर के क्या क्लोजिंग मेरिट्स थे वो तमाम स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर की, आपको बताया कि किस तरह शहीदुल अफकार अली भुट्टो का जो एमडी कैट है वो इजी होता है और फिर वही चीज इम्पैक्ट करती है आपके UHS के मेरिट को। बट इस वीडियो के बनने तक जो है वो आपके UHS MD कैट 2023 के स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट नहीं हुए थे, उन पर वर्क हो रहा था। वैसे मैंने आपको वर्बली बता दिया था कि ये फिगर्स आ रहे हैं, लेकिन अब वो हमारे सामने एक्चुअल में अवेलेबल हैं। स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज के जो इस वीडियो में मैं मेंशन कर चुका हूँ, आपने ये याद रखना है कि लास्ट ईयर का जो आपका MBBS का क्लोजिंग मेरिट था वो आपका था 90.41 आपका जो है डीजी खान मेडिकल कॉलेज के लिए, और BDS के लिए जो है वो आपका क्लोजिंग मेरिट जो है वो आपका तकरीबन था 90.20 फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के डेंटल सेक्शन के लिए। अब यहाँ पर आपका जो सबसे मेजर क्वेश्चन है कि इस साल मेरिट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या ट्रेंड होगा, और इसी का ही मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। ये सब स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली आपका 2022 के स्टैटिस्टिक्स है और यहाँ पर आपके 2023 के स्टैटिस्टिक्स है। आपका FSC जो है वो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर कांस्टेंट रहता है क्योंकि नंबर ऑफ रिपीटर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बच्चों के ऑलरेडी जो है वो 1000+ मार्क्स होते हैं, तो वो चीज यहाँ पर एज सच जो है ना वो वेरी नहीं करती। मेन जो वेरिएशन आ रही है वो आपके एमडी कैट के मार्क्स की आ रही है। देखिए यहाँ पर जो पहली टू रेंज है वो सेम ही है, 190+ में जस्ट और जस्ट आपके जो है वो 7 स्टूडेंट्स ही हैं, लेकिन उसके बाद जब आप 185 से 189 के दरमियान आते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 51 है। 2022 में 51 स्टूडेंट के जो है वो 185 से 189 के दरमियान मार्क्स थे, लेकिन यहाँ जो है वो चेक करें 185 से 189 के दरमियान तो ये 150 हो जाते हैं, मतलब 3 टाइम जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर 180 से 184 के दरमियान चेक करें तो 216 बच्चे थे जिनके 2022 में जो है वो 180 से 184 के दरमियान मार्क्स थे, लेकिन अगर आप इसी रेंज को यहाँ पर 2023 के स्टैटिस्टिक्स में चेक करेंगे तो ये आपके 714 हो जाते हैं। 714 होने का मतलब ये है कि ये अगेन ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो 3 टाइम जो है वो नंबर इंक्रीज हो रहा है। और इसी तरह अगर आप 175 से 179 के दरमियान जाएंगे तो आपके यहाँ पर 2022 में जो है वो जस्ट और जस्ट 563 स्टूडेंट्स थे, लेकिन अगर आप इसी चीज को 2023 के साथ कंपेयर करेंगे तो 175 से 179 के दरमियान वो आपके अगेन जो है वो 1647 यानी कि 1647 हो जाते हैं। और जो यहाँ पर लास्ट रेंज हम कंपैरिजन के लिए देखने जा रहे हैं वो आपकी 170 से 174 के दरमियान है, बट इसी चीज को जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके ऑलमोस्ट जो है वो 2581 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर 170 से 174 के दरमियान जो है वो स्कोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो है वो हरगिज डरा नहीं रहा, परेशान नहीं करना जा रहा या कोई भी ऐसी चीज आपके सामने नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन चीजें आपके सामने क्लियर है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो ट्रिपल का डिफरेंस आ रहा है, और ट्रिपल का डिफरेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर एक जगह आपके 51 स्टूडेंट है, वही स्टूडेंट आपके यहाँ पर 150 हो जाते हैं, बाकी सारी चीजें आपके सामने जो है वो स्क्रीन पर हैं। अब इसका यहाँ पर बड़ा सिंपल सा मीनिंग बनता है, और वो सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर यह है कि आपका जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी जो है वो मेरिट इस साल इंक्रीज होने जा रहा है। लास्ट ईयर का मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग मेरिट जो है वो 90.40 था, बट इन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप सिंपली देखें अभी जो है इसमें शहीदुल अफकार अली भुट्टो के स्टूडेंट्स जो है वो एड होने हैं, वहां पर जिन बच्चों ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया जो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो सारे स्टूडेंट्स भी इन स्टैटिस्टिक्स में ऐड होने हैं, और इन स्टैटिस्टिक्स में ऐड होने के बाद आप फिर उसका आइडिया ले सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे सामने एमडी कैट की चीजें बड़ी क्लियर है, यहाँ पर भी देख लें कि कितने बच्चों ने कितने मार्क्स लिए और यहाँ पर भी देख लें कि कितने बच्चों ने कितने मार्क्स लिए,
तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका मेरिट जो है वो इंक्रीज होने जा रहा है। और यहाँ पर जो आपके ये जो नंबर्स हैं वो इतने ज्यादा हैं, शहीद जफर अली भुट्टो का रोल जो है वो इतना ज्यादा है, अपेरेंटली यहाँ पर यही लग रहा है कि आपका मेरिट जो है वो 91 से भी ऊपर जाएगा, 91 को भी जो है वो क्रॉस करेगा इन तमाम स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। अब 91 से कितना ऊपर जाएगा ये आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके सामने चीजें क्लियर करना है ताकि अगर आपको कोई भी बी प्लान है, कोई भी आप बी ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके। उस हवाले से जो है वो एक्चुअल मेरिट के हवाले से तो जो है वो बकायदा लिस्टें प्रिपेयर की जाएंगी, रैंक वाइज हम उनके एफएससी मैट्रिक आपके जो है एमडीकैट के मार्क्स देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग यूएचएस से पहले ही आपको एग्जैक्ट जो है वो मेरिट बता देंगे कि इतना मेरिट होने जा रहा है। लेकिन फिलहाल आपको सारी चीजें जो है सामने स्क्रीन पे दिखा गई हैं, आपको आइडिया हो गया होगा। बाकी जहां तक बात रही प्राइवेट के वाले से तो देखिए प्राइवेट के वाले से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। अब मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि कहां पर आपने कैसे कैसे मेरिट लेना है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगा कि जिन बच्चों के 70 से नीचे जो है वो एग्रीगेट है, चाहे वो डोनेशन ही क्यों नहीं पे कर रहे, जितनी मर्जी अमाउंट कर लें, लेकिन उनका पंजाब की हद तक जो है वो आपका एमबीबीएस में एडमिशन हरगिज नहीं होने जा रहा। जो चीजें मैंने डिस्कस की है मुझे पता चला है 70 से नीचे। दूसरी तरफ डोनेशन की बात भी करें तो वो भी डेफिनेटली जो है जिस तरह आप कह लें कि महंगाई की वजह से बाकी चीजें बढ़ रही है, मुझे जब खुद जो है वो कॉलेज की जानिब से डिमांड्स वगैरह कह दिया हुआ डिफरेंट सोर्सेज से पता चला तो मैं खुद जो है वो शौक था कि इतनी ज्यादा अमाउंट ऑलमोस्ट आपकी जो है वो फी वगैरह को भी क्रॉस कर रही है। लेकिन उसके हवाले से या फिर मेरिट क्या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन चीजों के हवाले से अपना ओपिनियन कॉमेंट बॉक्स में दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। काशिफ राइट्स में नया तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।